हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्वीन ऑफ टीयर्स के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम 4 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ ह्यूनवू होते हैं, साथ में हेन भी होती है। बाद में ह्यूनवू हेन को एक स्टोर के पास लेकर आता है और कहता है कि यह स्टोर मेरी मॉम का है, हालांकि यहाँ पर उसकी मॉम नहीं होती। फिर ये दोनों आइसक्रीम खाते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हेन खुद से कहती है, अब मैं मरने वाली हूँ। वो जानवर हेन की तरफ ही आ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर ह्यूनवू आ जाता है और उस जानवर को मार देता है। फिर ह्यूनवू हेन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी यहाँ पर योनसंग आता है और इनसे पूछता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? हेन काफी डर गई थी, इसलिए ह्यूनवू हेन को यहाँ से ले जाता है। हेन कहती है कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ और आज एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं बच गई। फिर हेन आगे चली जाती है, लेकिन तभी उसके पैर में मोच आ जाती है, इसलिए ह्यूनवू उसे गोद में उठा लेता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में ब्योमजून को देखते हैं, साथ में सूचोल भी होता है। ब्योमजा इन दोनों को देख रही थी। सूचोल एक लकड़ी को जलाने वाला था, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाता और सब तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। ब्योमजून कहता है, तुमसे अच्छा तो ह्यूनवू है, वो ये सब काम आसानी से कर लेता है। सूचोल कहता है, वो गांव से है, आप मुझे उसे कंपेयर कैसे कर सकते हो? तभी ये सब ह्यूनवू को देखते हैं, जो कि हेन को गोद में उठाकर ला रहा था। सूचोल भागकर किमसुन के पास आता और कहता है, हेन को चोट लग गई है, उसके सामने एक बड़ा सा जानवर आ गया था। ये सुनकर किमसुन बाहर की ओर भागती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम हेन को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। सूचोल कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ह्यूनवू ने इतने बड़े शिकार को मार दिया, पहले तो वो एक पक्षी को भी नहीं मार पाता था। इस पर हेन कहती है, ह्यूनवू पहले ग्रुप का सैनिक था और तुम्हें उसे कुछ सीखना चाहिए। अगले सीन में हम ह्यूनवू को देखते हैं जो कि जंगल में होता है। वो येंकी को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। येंकी कहते, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, अब शायद वसीहत चेंज हो सकती है। ह्यूनवू जंगल में देख रहा था कि यहाँ वो जानवर कैसे आ सकता है। तब ह्यूनवू देखता है कि जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, किसी ने उसका गेट ओपन कर दिया था और वहाँ पर कुछ खाने की चीजें भी फेंकी हुई थी। फिर से शिफ्ट होता है और हम हेन की फैमिली को देखते हैं, साथ में ह्यूनवू भी होता है। ये सब डिनर कर रहे थे। ह्यूनवू इन्हें बताता है कि किसी ने रिस्ट्रिक्टेड एरिया का गेट ओपन कर दिया था और वो जानवर वहीं से आया था। इस पर ग्रेस कहती है, क्या ये किसी ने जानबूझकर किया? मैं वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करूंगी। तो चेयरमैन कहते हैं कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद वो सीसीटीवी फुटेज चेक करूंगा। फिर हम देखते हैं कि ब्योमजून ह्यूनवू को काफी अच्छे से ट्रीट करता है। उसके बाद किमसुन योनसंग से उसके बारे में पूछती है, तो योनसंग कहते हैं कि जब मैं 13 साल का था तो US से एक फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उसके पेरेंट्स की अब डेथ हो चुकी है और अब वो बिल्कुल अकेला है। तभी चेयरमैन यहाँ एक आदमी को देखता है और उसे अपने पास बुलाता है। इस आदमी के साथ एक डॉग भी होता है। चेयरमैन कहते, ये डॉग तो बहुत ही सुंदर है, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? लेकिन ये आदमी कहता है कि एक बार इसने मेरे बेटे की जान बचाई थी और तब से ये हमारी फैमिली का ही मेंबर है, मैं इसे नहीं बेचना चाहता। अगले सीन में हम इसी आदमी को देखते हैं, साथ में इसकी वाइफ होती है। इनके पास योनसंग आता है और कहते हैं कि मैं ये डॉग खरीदना चाहता हूँ, इसके बदले में मैं तुम्हें 100 मिलियन वन दूंगा। ये आदमी इतने पैसे सुनकर शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। योनसंग अपनी घड़ी में टाइम देखता है और कहता है कि टाइम के साथ ये पैसे कम होते जाएंगे, और फिर योनसंग 80 मिलियन वन पर पहुंच जाता है। तो ये आदमी कहता है कि ठीक है, मैं इसे बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझे 100 मिलियन वन ही देने होंगे। योनसंग कहता है कि ठीक है। अगले सीन में हम सूचोल और दाहाई को देखते हैं। ये दोनों योनसंग के बारे में ही बात कर रहे थे। फिर सूचोल उसे कहता है, क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगी? लेकिन दाहाई मना कर देती है। सूचोल कहता है, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो ड्रिंक करती ही नहीं। उसके बाद सूचोल बाहर चला जाता है तो दाहाई वो ड्रिंक पी लेती और कहती है, ये लड़का कितना ज्यादा बोलता है। वहीं सूचोल बाहर हॉल में ह्यूनवू को देखता है। ह्यूनवू सूचोल से कहता है, तुमने मुझसे एक एडवाइस मांगी थी, आज मैं पूरी रात फ्री हूँ, तो आज मैं तुम्हें सजेशन दे सकता हूँ।
लेकिन सूचल कहते हैं कि मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही है। वैसे क्या तुम हेन के पास नहीं जाओगे? क्या तुम उसे डरते हो? ह्युनवो कहते हैं, मैं उसे क्यों डरूंगा? सूचल कहता है, तो तुम्हें हेन के साथ एक ही रूम में सोना होगा। ह्युनवो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी हमारी शादी हो गई है। लेकिन ह्युनवो अंदर से काफी डरा हुआ था। फिर ह्युनवो धीरे धीरे रूम की ओर जाने लगता है। सूचल भी दा हाई के पास वापिस आता है और कहता है कि इसमें से ड्रिंक कहाँ गई? तो दा हाई कहती है, तुम ही तो सारी ड्रिंक पीकर गए थी, क्या तुम भूल गए हो? शायद तुम्हें नशा हो गया है। वहीं हम ह्युनवो को देखते हैं जो धीरे धीरे रूम के अंदर आता है और हेन के बगल में सोने लगता है। तभी हेन उठती और कहती है, क्या तुम मेरे टॉप को अनबटन करने में मेरी हेल्प करोगे? फिर ह्युनवो ऐसा ही करता है। अगले सीन में हम इन दोनों को बेड पर देखते हैं। ह्युनवो कहते हैं, ये बेड बहुत ही छोटा है। तो हेन कहती है, क्या तुम भूल गए, कभी हम इससे भी छोटे बेड पर सोया करते थे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब हेन ह्युनवो के गांव आई हुई थी तो ह्युनवो कहता है, रात बहुत हो चुकी है, तुम यहीं पर सो जाओ। हेन कहती है कि ठीक है। फिर ह्युनवो बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद ह्युनवो हेन की विंडो पर टैप करता है। हेन ह्युनवो को देखती है। ह्युनवो कहते हैं कि मून बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या तुम इसे देखना चाहोगी? हेन कहती है, क्या तुम अंदर आना चाहोगे, हम साथ में मून देखेंगे। फिर ये दोनों साथ में मून को देखते हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हेन कहती है, क्या तुम हग करना चाहोगे? लेकिन ह्युनवो मना कर देता है। वो बेड पर अपने पाँव को हिलाता है और कहता है, मेरे पास तो बहुत स्पेस है। हेन कहती, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो डर गई। उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अगले दिन हम योनसंग को देखते हैं जो कि उसी आदमी के पास खड़ा होता है। वो आदमी योनसंग को उसका चेक वापस दे रहा था और कहता है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकता, मैं इस डॉग को नहीं बेचना चाहता, उस समय मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था, ये हमारी फैमिली का ही मेंबर है। ये आदमी योनसंग से बहुत रिक्वेस्ट करता है तो योनसंग वो चेक वापस ले लेता है। फिर योनसंग उस डॉग की ओर गन पॉइंट करता और कहता है कि इसे मार देना चाहिए। तभी यहाँ पर ह्युनवो आता और कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो? योनसंग कहते, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। उसके बाद ये आदमी अपना डॉग लेकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं, साथ में हेन की पूरी फैमिली होती है। ये सब सीसीटीवी फुटेज में देख रहे थे कि गेट को ओपन किसने किया था। सीसीटीवी फुटेज में ये एक आदमी को देखते हैं जिसने मास्क लगाया हुआ था। चेयरमैन कहते, ये तो ब्योमस्युक है, जो कि चेयरमैन का सेकंड बेटा होता है। सोल ही कहते कि मुझे नहीं लगता ब्योमसुक ऐसा कर सकता है। उसके बाद हम योनसंग को देखते हैं। वो हेन को कॉल करता और कहता है कि मैंने मिस्टर हरमैन से बात की थी, मैंने उनके साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी है। ये सुनकर हेन भी खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हेन को डॉक्टर के साथ देखते हैं। हेन कहते हैं कि मेरे साथ आजकल बहुत अजीब हो रहा है, वैसे तो मैं बहुत कोल्ड हार्टेड हूँ, लेकिन आजकल मुझे लोगों को देखकर उन पर दया आ रही है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया भी जाता है कि एक बिल्ली बारिश में भीग रही थी, लेकिन हेन उसके लिए कुछ भी नहीं करती क्योंकि वो बहुत शोर कर रही थी। प्रेजेंट में हेन कहते हैं कि मुझे लोगों के दर्द को देखकर चिंता क्यों हो रही है? डॉक्टर कहते हैं कि जो पेशेंट मरने वाले होते हैं उनके साथ ऐसा अक्सर होता रहता है। पर हेन कहती है कि मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। बाद में हेन यहाँ से चली जाती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम ब्योमजुन और ह्युनवो को देखते हैं। ये दोनों ब्योमसुक से मिलने के लिए आए थे। ब्योमजुन इसे उसी दिन के बारे में पूछता है तो ब्योमसुक कहते हैं कि मैं वहाँ डैड से मिलने के लिए गया था, लेकिन वहाँ सोल ही आ गई और उसने मुझे डैड से मिलने नहीं दिया। ब्योमजुन कहते हैं किसी ने वहाँ गेट को ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ बड़ा सा जानवर आ गया। हेन मरते मरते बची थी, क्या ये सब तुमने किया है? ब्योमसुक कहता है कि जब मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाला गया तब तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब मैंने नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस डैड से बात करना चाहता हूँ। उसके बाद ब्योमजुन और ह्युनवो यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में किमसुन को देखते साथ में ग्रेस होती है। किमसुन कहती है कि तुम योनसंग के बारे में सब कुछ पता करो। फिर से शिफ्ट होता है और हम योनसंग को देखते हैं। ग्रेस उसका पीछा कर रही थी, लेकिन योनसंग जानता था कि ग्रेस उसे फॉलो कर रही है। फिर वो एकदम से ग्रेस के सामने आता है और उसे पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? उसके बाद ये दोनों बैठकर बात करते हैं। ग्रेस कहते हैं कि मुझे ऐसा करने के लिए किमसुन ने कहा था, वो इतनी जल्दी लोगों पर विश्वास नहीं करती।
योनसन कहता है कि जो तुमने किया वो फिर से मत करना। ग्रेस कहती, मैं नहीं जानती थी कि ह्युनवू बीच में आ जाएगा और उस जानवर को मारकर हेन को बचा लेगा। फिर अगले सीन में ह्युनवू को देखते हैं साथ में यंकी होता है। वो ह्युनवू से कहते हैं कि तुमने हेन को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है। ह्युनवू कहता है कि अब सब लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, ब्योमजून भी मुझे अच्छे से बिहेव कर रहा था। फिर से शिफ्ट होता है और हम ह्युनताई को देखते हैं। उसकी जिम में एक लेडी अपने बेटे को लेकर आती है क्योंकि वो अपने बेटे को बॉक्सिंग सिखाना चाहती थी, लेकिन उसका बेटा ह्युनताई से कहता है कि मैं बॉक्सिंग नहीं बल्कि ताइक्वांडो सीखना चाहता हूँ। तो ह्युनताई कहता है कि यहाँ पर उससे भी अच्छा सिखाया जाता है, जिसे ह्युनताई करके भी दिखाता है और इससे ह्युनताई को चोट लग जाती है, लेकिन ये लड़का अपनी मोम को लेकर यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर म्यूसियोन आती है। वो ह्युनताई की चोट देखती है और उसे कहती है, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। लेकिन ह्युनताई कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे लगता है कि बहुत जल्द मुझे जिम बंद करनी होगी। म्यूसियोन कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बहुत जल्द मेरा सैलून भी बंद होने वाला है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ह्युनवू डाइवोर्स क्यों लेना चाहता है। हमें सियोल जाकर हेन से बात करनी चाहिए। उसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। ह्युनताई कहता है, क्या हमें ह्युनवू को बताना चाहिए कि हम सियोल आ रहे हैं? लेकिन म्यूसियोन कहती है कि अगर हमने उसे बताया तो वो कभी हमें सियोल नहीं आने देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों सियोल में हेन की कंपनी में पहुंच जाते हैं। ये एक लड़की से कहते हैं कि हम हेन की फैमिली है और हम उसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये लड़की कहती है कि उनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तभी यहाँ पे हेन आ जाती है। हेन इनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये दोनों कहते हैं कि हम तुमसे कुछ बात करने के लिए आए थे। फिर ये तीनों बात करते हैं। म्यूसियोन कहती है कि मैं जानती हूँ इन सब में ह्युनवू की ही गलती है। हेन कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। म्यूसियोन उसे बताने ही वाली थी, पर तभी यहाँ पर सेक्रेटरी ना आ जाती है और वो हेन से कहती है कि मिस्टर हरमन से आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। हेन इनसे कहती है कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी। फिर हम हेन को देखते हैं जो कि मीटिंग के लिए आ जाती है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर हरमन नहीं होता। तो हेन उसके बारे में योनसंग से पूछती है। योनसंग उसे बताता है कि हरमन की ग्रैंड डॉटर को चोट लग गई थी तो वो उसे देखने के लिए चला गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ह्युनवू को देखते हैं। एम्प्लॉय उसे बताता है कि सेक्रेटरी ना ने मुझे आपको बताने के लिए कहा था कि हेन की मिस्टर हरमन के साथ आज मीटिंग है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि आपका भाई ह्युनताई और आपकी बहन म्यूसियोन यहाँ आए हुए हैं। दूसरी तरफ हम ह्युनताई और म्यूसियोन को देखते हैं। म्यूसियोन हेन को टेक्स्ट करती है कि प्लीज हमारे लिए तुम ह्युनवू से डाइवोर्स मत लो। तभी म्यूसियोन को ह्युनवू की कॉल आती है। ह्युनवू कहता है कि हम डाइवोर्स नहीं ले रहे और हेन को तो मैंने इसके बारे में बताया भी नहीं। म्यूसियोन कहती है कि मैंने तो हेन को मैसेज कर दिया है कि तुम डाइवोर्स मत लो। फिर ह्युनवू हेन को कॉल करता है, लेकिन हेन का फोन योनसंग उठाता और देखता है कि ह्युनवू की कॉल आई है, इसलिए वो हेन के फोन को स्विच ऑफ कर देता है। तभी यहाँ पर हेन आती है। योनसंग कहता है कि मैं तुमसे ह्युनवू के बारे में पूछना चाहता हूँ, वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सच में तुमसे प्यार करता है? हेन कहती है कि हाँ, और प्यार का मतलब होता है कि हर मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े रहना, और ह्युनवू हर बुरे समय में मेरे साथ खड़ा रहा। वही हम ह्युनवू को देखते जो कि हेन का वेट कर रहा था। तभी यहाँ पर योनसंग हेन को लेकर आता है। हेन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। फिर योनसंग यहाँ से चला जाता है। ह्युनवू हेन से पूछता है, तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? हेन कहती है, क्योंकि अब मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ। वैसे भी मैं नॉर्मल लोगों से अलग अपनी लाइफ जी रही थी ताकि मैं लंबे समय तक जी सकूं, पर सब कुछ वेस्ट हो गया और अब मैं उन सभी लोगों को मार दूंगी जो कि मरना डिजर्व करते हैं। ह्युनवू कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। हेन कहते हैं कि जो भी मुझे धोखा देने की सोच रहे हैं मैं उन सभी को मार डालूंगी, और वैसे भी मेरे पास सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं। अगर उन्हें मार के मैं जेल भी चली गई तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ये सुनकर ह्युनवू काफी डर जाता है। तो हेन कहती है कि तुम क्यों डर रही हो, तुम कौन सा मुझे धोखा दे रही हो? ह्युनवू कहते हैं कि हाँ, वैसे मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, तुम्हारा फोन है कहाँ? हेन कहते हैं शायद वो गाड़ी में ही रह गया। ह्युनवू ड्राइवर को कॉल करके हेन के फोन के बारे में पूछता है। तो हेन कहते हैं कि मेरा फोन तो मेरे पास ही है। वो अपने फोन को स्विच ऑन करती है। तो ह्युनवू भाग कर हेन के पास आता है और उसके फोन को नीचे गिरा देता है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद हेन ह्युनवू को किस कर देती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जो कि इनकी शादी से पहले का होता है। ह्युनवू हेन को एक जगह पर लेकर आता है और कहता है,
यहाँ आकर मेरा सारा स्ट्रेस कम हो जाता है। ये दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। एपिसोड के लास्ट में हम हेन को देखते हैं जो कि सेक्रेटरी ना से कहती है, मैं कैंसर सपोर्ट सेंटर बनाना चाहती हूँ अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।